हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये राउंड मेकअप बॉक्स बनाएंगे। अगर आपके पास कोई पुरानी कुर्ती हो या कोई कपड़े का टुकड़ा बचा हुआ हो तो उससे आप इस बॉक्स को बना सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल है, इसमें कपड़ा भी काफ़ी कम लगता है और बहुत जल्दी ये बन जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया है। गोलाई के लिए मैं प्लेट का यूज़ कर रही हूँ। आप इसे बड़ा या छोटा साइज बना सकते हैं। मैंने ऐसे चार पीस काटे हैं, दो ऊपर के लिए, दो अंदर के लिए। अंदर के लिए आप कोई दूसरा कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। ये चार पीस मैंने सेम साइज के कट किए हैं। मैंने आटे की बोरी के दो पीस ऐसे काट लिए हैं सेम साइज के। सबसे नीचे कपड़े को रखा है, फिर बोरी का पीस, उसके ऊपर फोम और सबसे ऊपर फिर से हमें कपड़ा रखना है। इस पर सिलाई चलाकर हम इसे क्विल्ट कर लेंगे। दूसरे पीस को भी इसी तरह तैयार करना है। आप केवल बोरी या फिर केवल फोम भी ले सकते हैं। इस प्लेट की गोलाई का हमें मेजरमेंट लेना है। चारों साइड से इसे हम नाप लेंगे और इसे एक इंच ज़्यादा हमें लेना है। ये करीब 24 है तो 25 इंच कपड़ा हमें लेना है। लगभग 25 इंच मैंने कपड़ा लिया है और इसकी चौड़ाई लगभग 6.5 इंच रखी है। इसे कम भी आप ले सकते हैं। क्विल्टिंग करने के बाद थोड़ा सा हमें साइड साइड से कट कर लेते हैं। मैंने बोरी पीस रखी है, उसके ऊपर मैंने फोम रखा है और उसके ऊपर हमें कपड़े को रखना है और इस पर हमें सिलाई चलाकर इसे क्विल्ट कर लेना है। इस पर मैंने लंबाई में सिलाई चला ली है और इस गोल वाले पार्ट पे भी सिलाई चला ली है। जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेंगे। बैक के सारे पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हमें जिप लगाना है। जिप मैंने 22 इंच की ली है। इसे हम कट करके लगाएंगे। पहले जो 22 इंच के अलावा जो एक्स्ट्रा है उसे काट लेंगे। 3 इंच का मैंने पीस काट लिया है, इसे हम बाद में लगाएंगे। ये करीब 6.25 इंच का है। 2 इंच पे हमें इसे कट कर लेना है। 2 इंच पे मार्क करेंगे और इसे कट कर लेंगे। इसी में हमें जिप लगानी है। जिप को कपड़े के ऊपर रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। इस तरह रखना है और सिल लेना है। जिप की सिलाई हो गई है। अब जिप के दूसरे पार्ट पे हमें स्ट्रिप का दूसरा पार्ट रखना है। इस तरह रखकर सिलाई कर लेंगे। जिप लग गई है। अब जो सिलाई वाला कपड़ा है उसे इस तरह दबाते हुए उसके ऊपर हमें टॉप स्टिच चला लेनी है, जिसे जिप अच्छी तरह से बैठ जाएगी। अब हमने जो 3 इंच वाली पट्टी काटी थी उसे फिर से हम लगाएंगे। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा हमें कपड़े को भी साथ में सिलना है। जो कपड़ा हमने जोड़ा है उसे हम फोल्ड करेंगे और इस तरह रखकर सिलाई कर लेंगे। देखिए, अब सिलाई पीछे से भी नहीं दिख रही है। अब गोल वाले एक पार्ट में हमें छोटा सा हैंडल लगाना है। बीच में फोम रखकर दोनों साइड से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। अब इस स्ट्रिप को हमें ऊपर में लगाना है। सेंटर पे मार्क कर लीजिए। इस तरह सिलाई करेंगे और दूसरे साइड भी अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करते हुए रखेंगे और सिल लेंगे। इस स्ट्रिप को हमें दूसरे साइड से भी सिल लेना है और उसी तरह से एक कपड़े का पीस हमें ऊपर रखना है और इसे भी साथ में सिल लेंगे। इस कपड़े को भी हमने पाइपिंग की तरह फोल्ड करके सिल लिया है। अब दोनों गोल वाले पीस को हमें ऊपर और नीचे लगाना है। ये ऊपर का पार्ट है, हैंडल वाला भाग अंदर की तरफ रखेंगे। और इसे हमें
पहले पिन लगा लेंगे, उसके बाद सिलाई करनी है। इसी तरह से गोलाई में हमें सिलाई करनी है। सिलाई को कवर करने के लिए मैंने उरेप पट्टी ली है, इसे भी हम साथ साथ सिल लेंगे। सिलाई हो गई है, अब उरेप पट्टी को हमें दूसरी तरफ से फोल्ड करना है। थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और सिलाई कर लेंगे। पूरी गोलाई में हमें इसी तरह से पाइपिंग की तरह पट्टी को फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। अब नीचे वाले पार्ट को भी हम सिलेंगे। पहले पिन लगा लेंगे, इसमें भी हमें पाइपिंग को साथ में सिलना है। इसे भी साथ में सिलाई कर लेंगे। अब पाइपिंग को थोड़ा सा फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेनी है। सिलाई हो गई है, अब बैक को खोलकर हम देख लेते हैं। बैक को सीधा कर लेंगे, बैक बनकर तैयार है। ऊपर नीचे का गोल पार्ट हम जितना बड़ा काटेंगे उसी के अनुसार हमें साइड पट्टी भी लेनी है। बैक को आप अपने मन से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। इसको सिलने में मैंने मशीन में 16 नंबर की सुई का यूज किया है। बैक बन गया है, बहुत जल्दी ये बैग बन जाता है और इसमें कपड़ा भी काफ़ी कम लगता है। काफ़ी यूज़फुल बैग है, इसमें हम काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। ट्रेवल के लिए भी काफ़ी अच्छा है। आपको ये बैग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।